उत्तर प्रदेश के खतरनाक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को कांग्रेस के राज विच जेल विच मिली वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर पंजाब विच एक तरह के नाल सियासी भूचाल आ गया। साबका जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार नू सीधी चुनौती देंदिया कहा कि उन्होंने ईमानदारी दे नाल काम किया है। सरकार जिथे चाहे बुला के पुछ पड़ताल कर सकती है। रंधावा ने कहा है कि उन्होंने इस केस जां विभाग विच कीते काम लई किसी तो सर्टिफिकेट लैण की लोड़ नहीं है। पंजाब विधानसभा के अंदर भी इस मसले नू लैके हजोत बैंस अते सुखजिंदर रंधावा च तिखी बहस हुई सी। रंधावा ने बैंस नू सबूत पेश करन दी चुनौती दित्ती सी, जिस तों बाद जेल मंत्री हजोत बैंस ने सबूतां दे नाल रिपोर्ट मुख्यमंत्री भगवंत मान नू सौंपी है। रिपोर्ट विच खुलासा होया सी कि किवें मुख्तार अंसारी दी पत्नी उसदे नाल जेल विच बने अफसर क्वार्टरां च रहिंदी सी। रिपोर्ट विच 11 आईएएस अफसर भी शक दे घेरे विच ने। आउण वाले दिनां च मुख्तार अंसारी दा मामला कौमी पद्धर ते वी गरमा सकदा है, क्योंकि इसदे तार दिल्ली तों लै के यूपी तक जुड़े हुए ने। हरजोत बैंस ने जिहड़ी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री नूं सौंपी सी, मसूत्रां मुताबक उस विच दस्सिया गया सी कि रोपड़ जेल विच अंसारी अफसरां लई बने घरां विच रहिंदा सी ते पत्नी वी रात ठहरण लई आउंदी सी रही सी। बजट इजलास दौरान विधानसभा च बैंस ने इसदा खुलासा कीता सी, पर उस वेले कांग्रेस ने सबूत मंगे सन। सिर्फ इन्ना ही नहीं, बैंस ने दावा किया सी कि किस तरह मुख्तार अंसारी नू यूपी ना भेजन दे लई पंजाब सरकार वालों सुप्रीम कोर्ट के वकीलों नू 60 लाख के करीब फीस दिती गई सी, जिस दे बिल उन्हां कोल ने। कैप्टन सरकार वेले पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी नू एक व्यापारी तो 10 करोड़ की रंगदारी के मामले विच प्रोडक्शन वरंट ते यूपी तो लैके आई सी। 26 बार यूपी सरकार ने अंसारी नू वापस लियाउण दे लई प्रोडक्शन वरंट कढे, पर जदों कोई सुनवाई नहीं हुई तां सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तो बाद अंसारी नू 2 साल 3 महीने बाद यूपी भेजा गया सी। बीजेपी ते अकाली दल ने अंसारी नू पंजाब दी जेल विच वीआईपी ट्रीटमेंट मिलन का इल्जाम लगाया सी। सिर्फ इन्ना ही नहीं, इल्जाम यह भी लगा सी कि राहुल अते सोनिया गांधी के कहन ते तत्काली मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अंसारी नू यूपी पुलिस के हवाले नहीं कर रहे सन। कैप्टन सरकार वेले सुखजिंदर सिंह रंधावा जेल मंत्री सन। उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दोष लगाया सी कि रंधावा अंसारी के परिवार नाल मिले सन। हालांकि तत्काली जेल मंत्री ने इस इल्जाम तो इनकार किया सी। पंजाब विधानसभा के अंदर भी रंधावा ने बैंस नू साबित करन दी चुनौती दित्ती सी। एक अहम जानकारी मुताबक मुख्तार अंसारी नू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे परिवार दी सरप्रस्ती मिली हुई सी ते ओदी मेहमान निवाजी साबका मुख्यमंत्री दीआं हदायतां ते कीती जांदी रही सी। सूत्रां दा कहना है कि पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री दे परिवार दे इक मैंबर ते मुख्तार अंसारी दा बेटा अब्बास अंसारी काफी चंगे दोस्त ने। 1996 विच बसपा दे टिकट ते जीत के पहली बार विधानसभा पहुंचन वाले मुख्तार अंसारी ने 2002, 2007, 2012 अते फिर 2017 विच वी मऊ तो जीत हासिल कीती सी। इन्हां विचों आखरी 3 चोणां उन्होंने देश दीआं वख-वख जिलां विच बंद रहिंदे होए लड़ियां सन। हुण सरकार दे लई नवां संकट खड़ा हो गया कि इन्नी वड्डी गिनती विच आईएएस अधिकारियों उत्ते कारवाई किवें कीती जावे। द खालस टीवी के सूत्र दसते हैं कि मुख्यमंत्री मान ने जेल मंत्री की रिपोर्ट उत्ते एक होर कमेटी का गठन कर दिता है। आईपीएस अधिकारियों की एक कमेटी अपनी रिपोर्ट देवेगी, जिस तों बाद अगली कार्रवाई दे लई राह पद्धरा होवेगा। उधर पता लगा कि पंजाब विच अंसारी दीआं मुश्किलां एक बार फिर वधन वालियां ने। ईडी वालों उसकी जायदाद का रिकॉर्ड फरोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2 दिन पहले यूपी विच वीरवार नूं 11 ठिकाणों विच छापे मारन तों बाद पंजाब विच भी हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खालस टीवी।